एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महामंदी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन जिंगर शवरमा की रेसिपी, जो कि बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो हमें शवरमा की जो चिकन है उसको सबसे पहले तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए मुझे इसमें जरूरत है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्पाइसेस में सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर, सफेद मिर्च, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे वेनेगर ले लिया, उसके अलावा मैंने लेमन जूस ले लिया। इसके अलावा मैं नमक की जरूरत है, नमक यहाँ पे नहीं रखा हुआ लेकिन नमक भी डलेगा। उसके अलावा मैंने एक कप चिकन ले लिया था जिसके स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। तो अभी बनाना शुरू करते हैं, जल्दी से सब चीजें मैरिनेट करते हैं इसके अंदर। तो 1 टीस्पून मैंने सब चीजें डाली है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून सफेद मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्ची पाउडर डाल दिया था इसके अंदर, और पेपरिका पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून डाला था मैंने। उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और वनीगर भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था, और 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो लेमन जूस ऐड किया था। ये सब चीजें डाल के आपने अच्छी तरह चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेशन का टाइम जो है वो 10 मिनट आपने रखना है, ताकि हमारा जितना भी जो है चिकन हमें चीजें लगाई उस सारी अच्छी तरह जो है चिकन के अंदर तक मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पे एक मजेदार सी जो है व्हाइट सॉस मैं तैयार करूंगी, जो कि हम चिकन जिंगर शवरमा के अंदर लगाएंगे। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 4 चम्मच मायोनीज के, उसके अलावा हमें 1 चम्मच चाहिए होगा दही का, 2 चम्मच दूध के। दूध में हस्बैंड जरूरत बोलूंगी क्योंकि ये जरूरत के मुताबिक डाला जाता है। उसके अलावा स्पाइसेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रखी हुई है काली मिर्च, लाल मिर्च और यहाँ पे सफेद मिर्च। उसके अलावा लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक जाएगा। अभी बनाना शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कितना कितना सब कुछ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 चम्मच जो ले ली थी मेयोनीज वो डाल लूंगी। आप लोग भी अपनी जो है वो जरूरत के मुताबिक मेयोनीज ले सकते हैं जिसमें आपको शवरमा बनाना चाहते हैं आप लोग। उसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसके अंदर दही का डाल दिया, दही मैंने ज्यादा ऐड नहीं किया। दूध मैंने इसके अंदर जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक ऐड किया जब तक मुझे इसके अंदर जरूरत थी। ज्यादा ना थिक हो ना ज्यादा ये थिन हो, ये बस जो है एक सॉस जिस तरह से गाढ़ी सी होती है ये इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जो हम जो आमतौर पर दूसरे शवरमा बनाते हैं जो स्ट्रीट पर मिलते हैं आपको, उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो थिन लगाई जाती है, लाइक ना ज्यादा वो बहुत गाढ़ी नहीं होती। लेकिन ये वाले जो हम यूज करेंगे ये एक सॉस टाइप होगी, तो इसलिए आपने जो है ये थोड़ी देख सकते हैं आप लोग की इतनी होनी चाहिए। तो बस इसके बाद इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो मैंने सिर्फ चुटकी भर डाले हैं, देख सकते हैं आप लोग, तो मैं अपनी चुटकी के साथ डाल रही हूँ, तो आपने भी चुटकी भर ही डालना है क्योंकि सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट देना है। बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस नहीं कर देने क्योंकि हमारी चिकन है ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है, तो इसलिए ये थोड़ी सी हम जो सॉस है वो सॉस ही रखेंगे, स्पाइस नहीं ज्यादा डालेंगे। तो बस आपने चुटकी भर सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अभी यहाँ पे हमारी व्हाइट सॉस बन के बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी हम बनाते हैं यहाँ पे चिकन की कोटिंग। चिकन तो मैरिनेट हो गया है, अब हम उसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर की ले लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, सफेद मिर्च और काली मिर्च जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है। उसके अलावा हमें पानी जरूरत होगी, हफ्ते जरूरत जितना आप पानी इसके अंदर ऐड करें। तो अभी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है मैदा 3 टेबल स्पून जो था, उसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया था। एक बहुत ही अच्छी और मजेदार सी जो है क्रिस्पी, इसके साथ एक ऊपर जो है वो चिकन की लेयर आती है, तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो उसके बाद स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोग के 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सारे स्पाइसी ऐड कर दिए हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं किए, तो इसको बस अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ से मैं जो है इसी के साथ 2 स्टेप्स करूंगी आगे, तो आपके साथ दोनों ही शेयर करती हूँ। एक हम ड्राई रखेंगे और मैं देखिए इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक पार्ट को मैं जो है वो बना लूंगी लिक्विड में और दूसरा मैंने ड्राई रख लिया है, तो इसकी के अंदर मैं डाल दूंगी और इसको मैं जो है बना लूंगी। ना ज्यादा थिक हो ना थिन हो, बस थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग इतना होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप लोग इतना होना चाहिए और देख सकते हैं आप लोग बहुत इजी है। देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल, और एंड पे मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूंगी थोड़ा सा और लेमन जूस ऐड कर दूंगी, और ये हमारी जो है वो लिक्विड जो है वो कोटिंग तैयार हो जाती है। इतनी इजी वही सारे जो है इंग्रेडिएंट, अगर आप बहुत ध्यान से ये देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट जो है वही रिपीट हो रहे हैं और इतने अच्छे बन के तैयार हो गई है ये हमारे यहाँ पे। तो अभी हम इसकी कोटिंग जो है अभी चिकन के ऊपर लगा लेते हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिप उठानी है, उसको पहले लिक्विड में डिप करना है, उसके बाद हमने ये ड्राई रखा था उसके अंदर डिप करना है, और इसी तरह जो है वो बनाते जाना है। तो इस तरह से देख सकते हैं बनके सारे तैयार हैं, और अभी हम जो है यहाँ पे इनको फ्राई कर लेंगे। तो डीप फ्राई करूंगी मैं, तो अभी ये इसको अच्छी तरह मैं फुली कुक कर लूंगी।
इतना इसको कुक करूंगी कि अच्छी तरह हो जाए, क्रिस्पी से हो जाए, अंदर से पक जाए और ऊपर से जो है वो क्रिस्पी से हो जाए बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप मजीद क्या और जो है मेरे चैनल को देखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें, यूजरनेम से स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह जो है आपने क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह पका लेना है और उसके बाद हम जो है इसको डिश आउट करेंगे ताकि जितना भी एक्सेस की ऑयल है वो सारा जो है वो ड्रेन हो जाए, क्योंकि जब हम शॉर्मा में लगाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसका ऑयल सारा जब ड्रेन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो है बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे, और अगर इसके अंदर ऑयल रहेगा आप इसको जो है वो बिल्कुल भी जो है वो टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं लगाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं रहते, सॉगी से हो जाते हैं तो फिर मजा भी नहीं आता। तो वो आपको जो स्ट्रीट पर जो मिलते हैं शॉर्मा उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आपका चिकन जितना अच्छा बेस्ट बनेगा उतना ही मजा आएगा। तो यहाँ पे चिकन देख सकते हैं बिल्कुल बनकर तैयार था और ये देख सकते हैं लुक्स लाइक रियली यमी। तो अभी यहाँ पे जो है चिकन शॉर्मा की जो ब्रेड है ये किसी भी बेकरी से इजीली मिल जाती है तो आप लोग ले सकते हैं इसे। इसे मैं दोनों साइड से अच्छी तरह जो है थोड़ा सा ऑयल लगा के जो है सेक लूंगी। देख सकते हैं आप लोग, दिखने में कच्ची लग रही है और वैसे भी ऑफकोर्स ठंडी होती है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह जो है ऊपर से क्रंची और अंदर से नरम बहुत ही अच्छी ये ब्रेड जो तैयार होती है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग के कितना अच्छा कलर भी आया है। तो आपने क्या करना है, इसे दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लेना है और उसके बाद इसको जो है इसके ऊपर सारी टॉपिंग करनी है। तो मैं इसी तरह सारी ब्रेड कर लूंगी, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी तरह हम सारी ब्रेड को अच्छी तरह कर लेंगे और उसके बाद जो है हम मेन सारी चीजें बस असेंबल करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीजें मैं जो है इसके ऊपर सेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने व्हाइट सॉस तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर लगा लूंगी। व्हाइट सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अगर आप देखना चाहते हैं पूरी डिटेल से तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो बस ये देख सकते हैं आप लोग किसी तरह आपने सैलेड में मैंने यहाँ पे ले ली थी कैबेज। अगर आपको कैबेज पसंद है तो आप कैबेज ले सकते हैं, वरना आप लोग कुकम्बर भी ले सकते हैं, वरना जो स्ट्रीट पे हम लोग खाते हैं उसके अंदर कैबेज ही यूज होती है। तो बस आपने जो है इसको जो टूथपिक के साथ सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे चिकन जिंगर शॉर्मा की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो गिवन बिग थम्स अप। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।